नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज फिर से अपन लेके आए हैं रूट वर्ड का तीसरा दिन, जिसमें अपन पहला वर्ड लिखेंगे शियस, मतलब टू डू समथिंग, मतलब कुछ काम करना या फिर अलर्ट कुछ ज्यादा मात्रा में करना। ठीक है, जैसे आज का पहला वर्ड है, इसमें रूट वर्ड में पहला वर्ड है लोक्वाशियस। लोक्वाशियस मतलब होता है दोस्तों वो ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, वन हु टॉक मोर या वन हु स्पीक मोर, वन हु टॉक मोर, जो ज्यादा बोलता है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है लोक्वाशियस, जिसको क्या बोला जाता है वाचाल, ज्यादा बोलने वाला, या फिर वन हु टॉक्स मोर, मोर एंड मोर, मतलब वो ज्यादा ही बोलता ही रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लोक्वाशियस। इसका एक और सिनोनिम होता है दोस्तों टोकेटिव। टोकेटिव जैसा नाम से ही लग रहा है कि ज्यादा बोलने वाला, कि दिन भर बोलता ही रहता है, तो क्या हो जाएगा टोकेटिव। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वोरासियस। वोरासियस वर्ड यूज होता है दोस्तों खाने के लिए, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा ही खाता है, यानी कि वन हु ईट्स मोर, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा खाता है, ईट मोर, ज्यादा खाने वाला। तो दोस्तों वोरासियस, शियस से अपन ने बहुत सारे वर्ड, वोर से अपन ने बहुत सारे वर्ड बनाए। शियस का मतलब तो क्या होता है ज्यादा, और वोरा मतलब खाने वाला। तो इससे अपन ने बहुत सारे वर्ड पहले भी देख चुके हैं अपन, कि ओमनीफेरस और ओमनीवोरस, पी ओ आर ओ यू एस, ओमनीवोरस। फिर होता है कार्निवोरस, फिर होता है हर्बीवोरस। दोस्तों ओमनीवोरस होता है मांस, मतलब सर्वाहारी, जो मांस भी खाता है प्लस जो घास फूस की चीजें होता है वो भी खाता है, मतलब शाक पत्ती वगैरह भी खाता है, हरी सब्जियां भी खाता है, वो सब क्या हो जाएगा ओमनीवोरस। कार्निवोरस मतलब जो वन ईट्स ओनली फ्लेशी थिंग, मतलब मांस वाली चीजें खाने वाला। और हर्बीवोरस क्या हो जाएगा, जो हर्ब्स मतलब शाक जड़ी पत्ते हरी सब्जियां वेजिटेबल्स पे खाने वाला। ठीक है, वेजिटेरियन बोलते हैं जिसको। तो ये क्या हो जाएगा हर्बीवोरस। ये सब वर्ड कहां से बने, बोर्ड से बने। नेक्स्ट है दोस्तों एवर्शियस। एवर्शियस का मतलब होता है दोस्तों लालची, मतलब ग्रीडी। क्या हो जाएगा दोस्तों लालची, लालच करने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों पुग्नाशियस। पुग्नाशियस का मतलब होता है दोस्तों जो लड़ाकू होता है, जैसे लड़ाई करने वाला। फाइट करने वाला, लड़ाई करने वाला। दोस्तों इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है बेलिकोस। ठीक है, वन हू फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वन हू फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब फॉन्ड ऑफ फाइटिंग मतलब लड़ाई का प्रेमी, युद्ध मतलब लड़ाई करने में प्रेमी, मतलब बेलिकोस का मतलब होता है एक तरह से हिंदी में देखा जाए तो युद्ध प्रिय। युद्ध प्रिय मतलब जिसको युद्ध लड़ाई करना अच्छा लगता हो, तो क्या हो जाएगा फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का वर्ड खत्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो था लेकिन दोस्तों बहुत काम का वीडियो था। चारों वर्ड और बाकी वर्ड भी पूछे जाते हैं इस एग्जाम्स में, तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।